द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट्स रखा गया कब तक भाई, तो 13 वर्षों तक ये चला था। आपके जो है 1990 में जो है इनकी शुरुआत हुई थी और 14 अप्रैल 2003 ईस्वी तक जो है ये चला था। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए भी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि कौन से डिपार्टमेंट जो है इस कंट्रोल को यानी कि इस जो है प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करती हैं। तो याद रखना US डिपार्टमेंट्स ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा क्या होता है, कमांडेड होता है। तो इस परियोजना के अंतर्गत दो प्रमुख बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है दो प्रमुख बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है क्या कि इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में जो है या जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में जो है तकनीक अपनाकर जो है डीएनए को आइसोलेट करना। आइसोलेट मतलब क्या होता है, अलग करना डीएनए को, तथा डीएनए का क्या करना, क्लोन तैयार करना। मतलब कि जब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आनुवंशिकी जो है अभियंता के आधार पर जो है ना हम लोग क्या करते हैं, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के आधार पर